अपने देखेंगे कि आटा चक्की में बहुत बार क्या है कि पत्थर पीसते पीसते पतला रह जाता है एकदम, एक डेढ़ इंच ऐसा रहता है। उस पत्थर को भी अपने को कैसे यूज़ करने का आज देखेंगे, उसके लिए आप वीडियो में आज बताऊँगा आपको वीडियो में, और आप आज का वीडियो बिना स्किप किए देखिए। आप देख सकते हैं कि पत्थर की साइज एक डेढ़ इंच से ज़्यादा नहीं है, ये देख लो दो इंच जैसी साइज रह गई है, दो से भी थोड़ी कम है। इसके लिए अभी अपने को ये पत्थर पड़ा है कोहिनूर का है पहले वाला, वो इसके पीछे सेटिंग करेंगे। इस पत्थर से सेटिंग करने से अपने ये क्या फ्लाईव्हील का काम करता है, भी अच्छा रनिंग भी अच्छा पकड़ेगा और आटा भी अच्छा बारीक बनाएगा। ये पीछे वाले अपने को पंखे खोलते हैं जो हवा के लिए हैं, अभी इस दो लगा रखे हैं जो पत्थर छोटा हो गया था, अभी इसको सेटिंग करके इसके बाद में देखते हैं एक लगता है एक दो लगता है। सबसे पहले अपने को शाफ्टिंग में ऑयल लगा देने का है और ये पुराने वाले पत्थर में ऑयल लगा देने का है, इसमें भी ऑयल लगा देने का और इसमें पत्थर में थोड़ा ऑयल लगा देने, जिससे क्या पत्थर आसानी से खिसक जाए। ये इस प्रकार अपने को नीचे पुली बैठा के ये पत्थर अंदर बैठा लिया है, बरोबर है। अब इसको टाइट कर लेंगे अपन, इसको अंदर फिट करेंगे अपने। मिनिमम साइज समझ लो, अभी अपने जैसे नया पत्थर लेके आते हैं ना, चार का साढ़े चार का पत्थर होता है, इसी की साइज होगी। और उस तरह इसका परफॉर्मेंस होता है, जिससे कि आटा उस तरह से अच्छा पीसता है। अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी अपने दो इंच जैसी जगह रह गई है, इसके लिए मैं छोटा वाला लगा रहा हूँ, जिससे कि अपना आटा है ढक्कन के अंदर चिपके नहीं और चक्की भी क्या हवा बनाएगा, जिससे क्या ठंडी रहेगी। अपने पहले दो लगा रखा था पंखा, उसमें एक निकाल दिया है और जगह एक की बची है तो एक लगा रहा हूँ मैं।